दोस्तों आज के वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम एक ऐसे पूमा के जूते को अनबॉक्स करने वाले हैं ना जिसमें फीचर नया है, टेक्नोलॉजी नई है एंड बहुत ज्यादा खास स्नीकर है। जूते का नाम है पूमा ZX Sculpt Illusion। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है 12,999 रुपए। प्राइस तो भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन देखते हैं कि आगे जूता कुछ कर पाता है या नहीं। लेट्स अनबॉक्स दिस। ओ माय गॉड, जरा ध्यान से इस खूबसूरत से मास्टरपीस को तो देखिए। ऑलराइट, सो जूते का जो नाम है वो इसके टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी जो ZX है ना वो आपको इस जूते में बहुत बार सुनने को मिलने वाला है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास जो पर्टिकुलर कलर है ना उसमें आपको 3-4 कलर देखने को मिलेंगे। जूते की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ना, जूता बहुत ज्यादा ना तो हल्का है ना तो बहुत ज्यादा भारी है। मतलब कि स्नीकर कितना भारी होता है उस टाइप का ये फील होता है। जूते की जो पूरी अपर बॉडी है वो मेश से बनाई गई है, लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से ना इसको डिजाइन किया गया है। थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं तो अगर फ्रंट में या साइड में देखोगे ना तो मेश के ऊपर भी ना आपको नेट की लाइनिंग मिलेगी, जो कि इसमें ना थोड़ा सा ब्लर जैसा और कहे तो इल्यूजन जैसा ना डिजाइन क्रिएट करती है, जैसा इसके नेम पे भी मेंशन था। साइड में आपको बहुत प्रीमियम स्वेट पैचेस देखने को मिल जाएंगे। इसके पीछे भी आपको स्वेट लेदर मिलता है, पीछे आपको एक पुल टैप मिल जाएगा। लेस के साइड में आपको रबर की कोटिंग मिलेगी और पूरा टंग भी डार्क ग्रे कलर का है जिसमें पूमा की आपको ब्रांडिंग मिलेगी और यहाँ पर भी साइड में ZX करके लिखा गया है। वही साइड में देखोगे ना तो यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लैक कलर से ना बहुत सारी डिजाइनिंग की गई है, जो कि अगेन थोड़ा सा इल्यूजन, थोड़ा सा ब्लर जैसा है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको नेट का काम मिलेगा, नेट की लाइनिंग मिलेगी। और यही डिजाइन में आपको पूमा का स्ट्रिप भी देखने को मिल जाएगा। साइड में थोड़ी सी स्टिचिंग के थ्रू डिटेलिंग है। सिर्फ और सिर्फ जूते के बाहर साइड में आपको एक छोटू सा पैच मिलता है जिसमें पीछे की तरफ आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अंदर की पैडिंग वैडिंग की बात करें ना, नो डाउट चूंकि ये पूमा का एक टॉप लेवल का परफॉर्मेंस शू है, डेफिनेटली इस जूते में कंफर्ट के मामले में पूरी कसर डालने की कोशिश की गई है। अंदर अंदर तक इवन पीछे भी देखोगे ना जहां पर हमारा हील होता है, पैडिंग नेक्स्ट लेवल है। इनर सोल को अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो इसमें भी आपको ग्रे कलर की लाइनिंग मिल जाएगी जिसके ऊपर ZX का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा। अंदर से येलो पूमा की ब्रांडिंग एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इनर सोल है। ये सारी चीजें ना देखो होना ही होना है क्योंकि ये पूमा की ना अपर लेवल के जूते हैं। हल्का से यहाँ पर आपको आर्च सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये भी मेड इन वियतनाम, ऐसा लगता है ना भाई एक बार जिंदगी में ना वियतनाम तो जाना पड़ेगा। चाहे कॉन्वर्स ले लो, नाइकी ले लो, पूमा ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो ना, सब में वियतनाम लिखना जरूरी है। हालांकि थोड़ा सा और मैं आपको गौर दिलवाऊं तो डिटेलिंग्स में ना इन जूते में बहुत ज्यादा काम होती है। तो इसके टंग होल्डर पे आपको यहाँ पर स्वेट लेदर मिलेगा, लेकिन ठीक उसके नीचे आपको वही फ्लोरोसेंट ग्रीन देखने को मिलेगा जिसके थ्रू वापस से ना एक एक्स जैसी ना डिजाइनिंग बनाई गई है, जो कि इसके ZX के एक्स को ना रिप्रेजेंट करती है। जूते के पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको ZX की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आउटर सोल की बात करें, पूरा हार्ड रबर ग्रिप दिया गया है, ऑब्वियसली ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इस जूते को मैंने ना जिम में जाकर बहुत ज्यादा पेरा और बहुत तगड़े तरीके से यूज किया है, तो मुझे अभी पता है ना कि एक्चुअल ये कैसा लगा मुझे, थोड़ा सा उस पे बात पे आएंगे। लेकिन अगर इसके आउटर सोल पे ध्यान दें, क्योंकि एक्चुअल जो दिमाग घुसाया गया है ना वो सारा दिमाग इसी में घुसा हुआ है। तो आउटर सोल की बात करें तो साइड में आपको ना एक पतली सी लाइनिंग मिलेगी जो कि आउटर सोल का ही पार्ट है, लेकिन ठीक उसके नीचे आपको ऐसा छेद छेद और साइकिल के चेन जैसा ना आउटर सोल देखने को मिलेगा जो कि पूरा ग्रीन कलर का है और उसपे ऊपर वाले कलर को मैच करने के लिए ना हल्के हल्के स्प्लैशेस के ना डिजाइनिंग्स बनाए गए हैं। अंदर की बात बाद में करेंगे। ये जो आपको मूंगफली के दाने जैसा ये छेद छेद दिख रहा है ना, ये सारी डिजाइनिंग्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, इसके आउटर सोल्स में भी देखने को मिलेगा और अंदर अंदर तक इवन देखने को मिलता है। और ओवरऑल देखोगे ना तो बॉटम में आपको एक बड़ा सा डीप कट मिलता है और उस डीप कट में भी ना आपको वो डिजाइनिंग फॉलो होते हुए दिखेगी। अब देखो सीधी बात बता दूं, इसके जो आउटर सोल का फोम है ना वो कोई नेक्स्ट लेवल ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें EVA फोम डाला गया है। हाल में मैंने एडिडास के इस जूते को आपको दिखाया था और इसी तरह का पैटर्न और डिजाइन आपको यहाँ पर भी फॉलो होते हुए दिखेगा। देखो ये तो मानने वाली बात है कि ब्रांड्स कहीं ना कहीं जाकर ना ये सारी चीजों को फॉलो करती है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा कॉपी करती है, तो इसमें भी वैसे छेद छेद डाल दिए गए हैं। अब चूंकि फोम में बहुत सारे छेद हो जाते हैं ना, तो जब भी आप दौड़ो या रनिंग करो इसे एक ना एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है दबने के लिए और आपको ये कंफर्ट फील करवाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा इंजीनियरिंग नहीं है, ये मानने वाली बात है कि ये जितने भी छेद होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि ये लॉन्ग लास्ट करे और सही से परफॉर्म करे और आपको एक बैलेंस फील करवाए जब भी आप इस जूते को अपने पैरों में डालो। तो एक अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इस जूते का जो फ्रंट का टो बॉक्स है ना वो बहुत ही वाइड है, तो जब आप इसे पहनोगे ना पैरों में आपको आराम और हल्का और कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा हो सकता है कि जूता आपको ना ऐसे कैमरा में देखने में बहुत ज्यादा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन भाई जब पैरों में रियल लाइफ में पहनोगे ना एक एक्सपेंसिव स्नीकर लगता है। ज्यादा ना दिमाग लगाते हुए सीधी वर्ड में एक वर्ड में कहूं,
हूं ना, तो इसे आप एक बहुत अमेजिंग हाइब्रिड स्नीकर बोल सकते हो। देखो ये सारे जूतों पे स्पेशल वीडियो इसलिए बनती है ना क्योंकि है ये स्पेशल जूते। इन सारे जूतों पे ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे काम किया जाता है। आप मुझे बताइए कि आपको ये जूता कैसा लगा कमेंट में। अगर ये वीडियो चली गई है ऐसे और अमेजिंग बेहतरीन जूते की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल जाकर सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। जूते का लिंक मैं दे दूंगा व्यू प्रोडक्ट पे। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।